हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है हमारा $25,000 का फॉरेक्स ट्रेडिंग का फोर डे। तो आज चौथे दिन में हमने कौन से ट्रेड किए हैं और क्या मेरे इसके पीछे का रीजंस था, क्या मैंने एनालिसिस किया था, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में आपको मैं बताऊंगा। मेरा ट्रेड भी दिखाऊंगा मैं आपको, और जो माई फ्लैश फंडिंग का मेरा डैशबोर्ड है वहां पे भी आपको दिखाऊंगा कि क्या मेरी अभी इनिशियल बैलेंस चल रहा है, क्या उसमें मेरा प्रॉफिट है और क्या मेरा लॉस चल रहा है। तो इस सभी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको पता नहीं कि माई फ्लैश फंडिंग और जो ये प्रॉफर्म होती है तो वो क्या होती है, तो प्रॉफर्म आपको जानना होगा। अगर आप नए हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो यहाँ पे आपको आई कमेंट में एक वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि क्या होती है प्रॉफर्म। मैंने एक वीडियो बनाया डिटेल में, उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफर्म आखिर होती क्या है, वो कैसे फंडिंग प्रोवाइड करती है और कैसे आप इसमें लाखों में अर्न कर सकते हो, और मैंने कैसे इसमें जीरो रुपीज से स्टार्ट किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में आप जान सकते हो। अगर आपको भी माई फ्लैश फंडिंग का अगर कोई अकाउंट परचेस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। और अगर आप मेरा माइंडेड ट्रेडर कूपन कोड यूज करते हो तो आपको वहां पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ गाइस, क्लास में आपको मैं एक टिप बताऊंगा जिससे आपको आपके ट्रेडिंग में काफी हेल्प होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम देखते हैं कि मेरा इसमें क्या एनालिसिस किया था मैंने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड मैंने यहाँ पे क्यों लिया है। तो एनालिसिस सबसे पहले देख लेते हैं हम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, एक जो है बेरिश मोमेंटम चालू हो चुका है। उसके बाद आते हैं डेली पे, तो डेली पे भी क्या दिखेगा आपको, बेरिश मोमेंटम दिख रहा है। उसके बाद आते हैं फोर आवर पे भी बेरिश मोमेंटम है, मतलब हमारा जो ट्रेंड है वो फिक्स हो गया कि हमें बेरिश में ही ट्रेड देखना है। इसके लिए अगर हम बाइंग के लिए घुसेंगे तो वो हम फालतू की टाइम पास करेंगे, बेरिश के लिए हमें बुलिश के लिए हमें घुसना ही नहीं, इसमें बेरिश के लिए ही घुसना है। जो ट्रेंड होगा उसके हिसाब से हम इसे फॉलो करेंगे। तो अभी ट्रेंड जो है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बेरिश ट्रेंड है, तो इसीलिए मैं क्या किया कि बेरिश के लिए ट्रेड देखना चालू किया। और कल थी एक कैड की न्यूज़, तो वो कैड की न्यूज़ क्या थी वो मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा इमेज, तो वो न्यूज़ भी देख सकते हैं आप। तो वो वहाँ पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, तो मुझे लगा कि उस पर ये यूरो कैड है वो अच्छे से रिएक्ट करेगा और मुझे अच्छा खासा उसमें रिस्क टू रिवर्ड रेशियो मिल जाएगा। तो मैं इसके लिए मैंने यहाँ पे बेरिश का ट्रेड दिखा था। तो बेरिश का ट्रेड देखते हुए देखिए, यहाँ पे मैंने ये जो 1 आवर की कैंडल बनी थी इन्वर्टेड हैमर, यहाँ इसके बाद ये कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, और मेरा जो रिस्क था वो 1:2 का या 1:3 का मुझे रिवॉर्ड लेना था, क्योंकि अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है वो अगर रिएक्ट करती है तो 1:3 आराम से मिल जाता है, वो भी जल्दी से मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर का जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे मेरा, मैंने यहाँ पे SL लगाया था, उसके नीचे 1:2 का पहले ही मैंने ये कर दिया कि मेरा 1:2 का पहले टारगेट होगा। उसके बाद अगर 1:2 के यहाँ तक आ रहा होगा तो फिर मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पे और फिर ट्रेलिंग करूंगा मेरा SL जो है वो। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया था और वहाँ से जो है मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे नीचे आया, जब न्यूज़ थी 8:30 बजे। तो न्यूज़ आने से पहले यहाँ से फिर से मार्केट ने एक पुल बैक दिया ऊपर की साइड, यहाँ से फिर से फिर वो नीचे आया। तो इसमें मार्केट में क्या हुआ है कि उस टाइम मुझे क्या लगा, जब भी आप शॉर्ट करते हो तो शॉर्ट में क्या होता है, आप ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, आपको टारगेट जो है वो जल्दी से हिट हो जाता है। तो यहाँ से नीचे आया, मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, इसलिए मैं वेट करता रहा कि न्यूज़ आए, न्यूज़ के बाद न्यूज़ ने अगर रिएक्ट किया तो मुझे अच्छा खासा उसमें जो है वो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वेट किया। तो यही मेरा रीज़न था कि न्यूज़ भी थी कल और एक बेरिश मोमेंटम था, इसमें मुझे इन्वर्टेड हैमर मिली, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो ट्रेड लेने के बाद मैंने वेट किया आराम से कि ये होता है या नहीं मेरा टारगेट, तो टारगेट नहीं हुआ, वो ब्रेक इवन पे ही मैंने बाद में उसको एग्जिट करने का सोचा, फिर बोला कि नहीं थोड़ा सा प्रॉफिट लेके जाते हैं। तो यहीं पे मैंने $70 लेके क्लोज कर दिया था अराउंड 9:30 बजे। 9:30 बजे क्यों क्लोज किया मैंने, 8:30 बजे न्यूज़ थी, तो मैंने होल्ड कब से किया था ये, 6:30 बजे मैंने ट्रेड लिया था न्यूयॉर्क सेशन जब स्टार्ट हुआ तब। उसके बाद मैंने 8:30 बजे न्यूज़ थी, तो 1 घंटा मैंने वेट किया कि 1 घंटे में मुझे वो मोमेंटम दिख रहा है क्या, उसमें न्यूज़ से कोई इम्पैक्ट हुआ या नहीं। अगर न्यूज़ ने इम्पैक्ट किया होता तो वो 1 घंटे में मुझे दिख जाता। तो ये 8:30 की कैंडल थी, मतलब इसके बाद जो वाली ये कैंडल है ये न्यूज़ के आने के बाद की कैंडल है 9:30 बजे। तो ये कैंडल में देखिए क्या हुआ, ये कैंडल नीचे आई, यहाँ से फिर से रिवर्सल ऊपर की साइड गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे न्यूज़ ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। तो न्यूज़ ने रिएक्ट नहीं किया इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट करना ही बेटर समझा, क्योंकि अगर न्यूज़ रिएक्ट नहीं करती, वहाँ पे वोलेटिलिटी आपको नहीं दिख रही है, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपका मोस्टली उसमें प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि आपका SL ही हिट होगा, उसमें आपका प्रॉफिट टारगेट हिट होने के कम चांसेस होते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता बाद में, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे फेवर में जा रहा है, न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है तो उस पर जल्दी से अच्छा रिएक्ट करना चाहिए, ये जो भी उसकी जो पेयर्स होगी वो अच्छा रिएक्ट करेगी। तो ये पेयर्स इसमें नहीं रिएक्ट की, तो उसकी वजह से मैंने क्या कर दिया, बाद में एग्जिट कर दिया। यहाँ पे अराउंड मैंने 480 450 में शायद एग्जिट कर दिया था, मेरा जो ट्रेड था
वो मैंने लिया था 1.46500 में, और जो मेरा SL था 1.46790 पे, यहाँ पे मेरा SL था, और मेरा जो प्रॉफिट टारगेट था वो यहाँ पे था 1.45800 पे, यहाँ अराउंड मैंने रखा था कि 1.45800 पे यहाँ पे मेरा टारगेट था। तो ये मेरा वहाँ कल का जो है वो ट्रेड था, तो इसमें मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैंने $70 लिए। मेरा यहाँ पे दो लॉट मैंने यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आपको उसका कि मेरा ट्रेड क्या था, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ पे एग्जिट किया है उसे। तो ये मैंने क्या किया, ब्रेक इवन में भी नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर दिया। तो यही बेटर रहता है जब भी आप शॉर्ट करते हो। अगर मैं बाइंग के लिए होता तो बाइंग के लिए मैं और ज़्यादा वेट करता, क्योंकि बाइंग में कभी भी देखिए मार्केट जब ऊपर की साइड जाता है तब उसे थोड़ा सा टाइम लगता है, वो धीरे धीरे जाता है ऊपर की साइड। लेकिन अगर जब मार्केट गिरता है, कोई भी पैर अगर गिरती है नीचे, तो वो काफ़ी ज़ोर से आती है, उसके लिए टाइम नहीं लगता उसे। तो ये आप दोनों को, इन दोनों में से समझना पड़ेगा कि जब आप बाय करते हो और सेल करते हो तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब आप बाय करते हो तब आपको होल्ड करने की पेशेंस होनी चाहिए, आपके टारगेट के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं, ज़्यादा वेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेल। जब आप सेल करते हो तो सेल में आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर टारगेट आपका जल्दी से जल्दी हिट होने के आपके फेवर में मार्केट नहीं दिख रहा है आपको, मतलब क्या है कि वहाँ वोलेटिलिटी नहीं है, मार्केट वहाँ से रिवर्सल ले सकता है। शॉर्ट में कभी भी देखिए, आप कोई भी पैर लीजिए, उसमें आपको दिखेगा कि जब मार्केट नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बन रही है, तो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जल्दी जल्दी बनती है। जब मार्केट ऊपर जाता है वो धीरे 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 जाता है ऊपर, क्योंकि मार्केट को ऊपर पुश करना बहुत स्लो प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा बायर्स आएंगे तभी जाएंगे, लेकिन शॉर्ट करने के लिए ज़्यादा लोग होते हैं, तो इसीलिए शॉर्टिंग में जल्दी से मार्केट नीचे आता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये ट्रेडिंग में आपको काफ़ी काम आएगा, जब भी आप दोनों में से टाइम आप जो है वो कंबाइन कीजिए। तो अभी हम आ चुके हैं MyFlash Funding के डैशबोर्ड पे। तो ये डैशबोर्ड है MyFlash Funding का, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा 24,818 डॉलर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा कल का जो प्रॉफिट था वो यहाँ तक था 24,762, और आज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब कल जो मेरा ट्रेड था उसमें मैंने $56 कुछ कमाए थे, ज़्यादा लिए नहीं 56, और इसमें मिला के अराउंड तो वो 70 कमाए थे, स्क्रीनशॉट में आपको दिखेगा कि 70 है, लेकिन यहाँ पे 56 इसलिए दिखा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे टैक्सेस कट, जो इनकी चार्जेस होते हैं वो कट करके यहाँ पे 56 दिखा रही है। तो यही कल का ट्रेड था मेरा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो चार्ट है वो धीरे धीरे ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब मैं इनिशियल बैलेंस तो आज या नहीं तो कल मुझे जो भी ट्रेड मिलेगा तो उसमें मैं इसे कन्फर्म कर दूंगा, और उसके बाद हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट होने के लिए भी हम ऊपर की साइड चले जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल लॉस जो है वो मेरा देखिए थोड़ा सा ही बचा है, तो ये मैं कवर कर लूँगा, और भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा कि क्या मेरे ट्रेंड्स होते हैं, उसमें क्या क्या मैं एनालिसिस करता हूँ और क्या उसके पीछे के रीजंस होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं बेस्ट टिप के बारे में। तो आज के वीडियो की टिप आपके लिए क्या होने वाली है, देखिए जब आप बाय करते हो या सेल करते हो तो इन दोनों के बीच में का जो आपका होल्डिंग का टाइम होता है, मतलब जब आप लॉस में चल रहे हो तो वो होल्डिंग का टाइम, और दूसरा जब आप प्रॉफिट में चल रहे हो वो होल्डिंग का टाइम, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो आपको क्या करना है, कैसे आपके ट्रेडिंग साइकिल जो ट्रेडिंग आपकी है उसमें कैसे उसे इंप्लीमेंट करना है। तो इसे ज़रा ध्यान से देखना, जब आप बाय करते हो तो एक स्ट्रक्चर समझिए मार्केट का, कि मार्केट जब अपर की साइड में जाता है तो वो धीरे धीरे जाता है, उसके लिए टाइम लगता है। जब आप बाइंग के किसी भी ट्रेड में हो तो थोड़ा सा वेट कीजिए, होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए, तभी आपको जो है आपका टारगेट उसमें मिलेगा। और जब आप सेलिंग करते हो तो सेलिंग में अगर आपने समझ लीजिए सेलिंग की है और उसमें आपकी कोई न्यूज़ हुई या कोई अलग भी हुआ, तो सेलिंग में क्या होता है मार्केट जल्दी आता है नीचे। तो ये कभी आप किसी भी चार्ट में देख सकते हैं, जब मार्केट ऊपर की साइड में जाता है तो धीरे धीरे जाता है, जब नीचे आता है तो एक जोर से आता है, उसमें आपको टाइम ही नहीं मिलता कि कब आपका SL हिट हो जाएगा या कब आपका प्रॉफिट हिट हो जाएगा। इसीलिए जब आप शॉर्टिंग करते हो तो उसके लिए आपको टाइम ज़रा कम लगता है। और इन दोनों में आपको क्या करना है कि इनके जो SL के टाइमिंग है, मतलब जब आप प्रॉफिट में अगर समझ लीजिए आपने सेल किया है, तो सेल में अगर आप सिर्फ साइडवेज चल रहे हो, ब्रेक इवन पे चल रहे हो या लॉस में चल रहे हो, लेकिन वहाँ पर टाइम कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया, लेकिन वही के वही मार्केट घूम रहा है, मतलब समझ लीजिए कि वहाँ से मोस्टली प्रोबेबली चांसेस है कि आपका जो SL है वही हिट होगा, जो प्रॉफिट टारगेट है आपका वो काफ़ी कम हिट होगा। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, जब भी वहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हो उसमें अगर लिक्विडिटी नहीं है, कोई शॉर्ट्स नहीं कर रहे, तो उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा शॉर्ट में। कभी भी एक ध्यान रखिए, अगर आपको परफेक्ट ट्रेड लेना है शॉर्ट में, जब मार्केट नीचे गिरेगा एक साथ तो आपको जल्दी टारगेट मिल जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर साइडवेज चल रहा है मार्केट तो उसे एग्जिट कर दीजिए तभी शॉर्ट में, अगर आपका टारगेट जल्दी से आपके प्रॉफिट फेवर में नहीं जा रहा है वो, तो मतलब उसका चांसेस मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका SL उसमें हिट होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर आप बाइंग के साइड में हो तो बाइंग के साइड में आपको वेट करना,
होना चाहिए। तो उसमें एक तो SL नहीं तो TP दोनों में से कोई हिट हो जाएगा, तो इसके लिए वेट कीजिए। और एक न्यूज़ का अभी मैं बताता हूँ आपको कि न्यूज़ कौन सी है, कब रिएक्ट करती है। तो न्यूज़ का अभी देखिए, अगर समझ लीजिए CAD की न्यूज़ है, मतलब कैनेडियन डॉलर की न्यूज़ है, तो ये कब रिएक्ट करेगी। अगर आप यूरो CAD की पेयर में ये कर रहे हो और CAD की न्यूज़ है, तो मोस्ट प्रोबेबली होती है कि CAD की जब न्यूज़ आएगी तो यूरो CAD कम रिएक्ट करेगी। क्यों रिएक्ट करेगी कम, इसके पीछे का रीज़न जानते हैं। अगर समझ लीजिए यूरो की न्यूज़ है, तो यूरो की न्यूज़ पे वो पेयर ज़्यादा रिएक्ट करेगी, क्योंकि यूरो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब जो भी स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है उस पेयर की, तो उसी पेयर की जो स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी उसकी कोई न्यूज़ होगी तो उस पे वो जो पेयर है वो ज़्यादा रिएक्ट करेगी। तो ये न्यूज़ करते वक्त, न्यूज़ ट्रेडिंग करते वक्त ये ज़्यादा ध्यान में रखिए, ये आपको ट्रेडिंग में काफ़ी काम आने वाली। मैं भी यही करता हूँ, इसलिए मेरे जो ट्रेड्स है वो काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। 1:3, 1:4 भी कभी कभी मिल जाता है मुझे रेशियो, तो ये बात ध्यान में रखिए। और ये टिप आपको पसंद आई या नहीं मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो गए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, MyFlash Funding का अगर आपको कोई भी चैलेंज परचेस करना है तो आप माइंडेड ट्रेडर यूज कर सकते हो कूपन कोड, 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएंगी। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितने भी आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी 1000 की फैमिली जल्दी से होने वाली है, सिर्फ 130 सब्सक्राइबर ही बाकी है 1000 होने में। तो जल्दी से जल्दी सारे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Hey. I always didn't have to have the food, yeah. Got hey. 100 on these watches and I do, yeah. I do it every time that I can fool, yeah. Get my money's in a class and you gon' do, yeah. Make a Rigo is the best so you know who, yeah. I don't even know the price of who be bad, yeah. Who be bad in the class and you got gold.